करण जौहर ने एक हफ्ते पहले ही बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत की, जिसमें कई धमाकेदार प्रतियोगियों ने भाग लिया है। करण जौहर का बिग बॉस ओटीटी 6 हफ्ते तक चलेगा, जिसके बाद बचे हुए प्रतियोगी बिग बॉस 15 में एंट्री मारेंगे। बिग बॉस 15 में सलमान खान इन प्रतियोगियों को एक घर में बंद करेंगे और फिर असली गेम शुरू होगा। करण जौहर का बिग बॉस ओटीटी खत्म होने से पहले और सलमान खान का बिग बॉस 15 शुरू होने से पहले मेकर्स ने एक ऐसे इंसान की शो में एंट्री कराने का फैसला लिया है जो दर्शकों के दिलों पर छाने वाली है। हम बात कर रहे बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की, जिन पर मेकर्स ने भरोसा जताया है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स ने रेखा को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। वो रेखा को ट्री ऑफ फॉर्चून का जिम्मा देंगे, जो बिग बॉस ओटीटी के बचे हुए प्रतियोगियों की एंट्री बिग बॉस 15 में कराएंगी। जिस दिन बिग बॉस 15 की शुरुआत होगी, उस दिन रेखा बिग बॉस ओटीटी के प्रतियोगियों का इंट्रोडक्शन सलमान खान से कराएंगी। रेखा काफी सालों से फिल्मों से दूर है, लेकिन टीवी पर वो किसी खास शो या फिर अवार्ड फंक्शन में दिख जाती है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग की दुनिया में दोबारा कदम रखने के मूड में है। रेखा को लेकर बीते दिनों ही ऐसी खबर सामने आई है कि वो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में भी दिख सकती है। इस वेब सीरीज में माधुरी और सोनाक्षी जैसी अदाकाराएं भी दिखाई देंगी। इसके बाद अब बिग बॉस के साथ उनका जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है।